आवारा हूँ। राज कपूर पर फिल्माए गए मुकेश साहब के गाए जिस मधुर गीत की झलक अभी आपने सुनी ना, वो सही मायने में भारत का पहला और संभवतः अब तक का इकलौता ऐसा गीत है जिसको वर्ल्ड सॉन्ग या इंटरनेशनल गीत अथवा अंतर्राष्ट्रीय गाना कहा जा सकता है। एक बड़ा अचरज तो इस बात को लेकर और ये सोचकर होता है कि जिस दौर में न कंप्यूटर था, न इंटरनेट और न ही सोशल मीडिया, उस दौर में एक गीत हिंदुस्तान की सरहद से निकलकर पूरी दुनिया में इस कदर कैसे छा गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए कि कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इस गीत को अपने अपने तरीके से कैसे गा रहे हैं, इस गीत पर किस तरह झूम रहे हैं। देखिए पेश है इसकी एक झलक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी वैश्विक गीत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां आपको देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर किए बगैर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट संजय कुमार, और आप देख रहे हैं महान हस्तियों, फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। जो वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है उसका आलेख तैयार किया है फिल्म राइटर विनोद विप्लव ने, जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब और अनेक दूसरी फिल्मी हस्तियों की जीवनियां लिखी हैं। इन पुस्तकों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म आवारा के लिए कविराज शैलेंद्र जी द्वारा रचित और शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध गीत को मुकेश जी ने आवाज दी थी, और जब इस गीत पर राज कपूर की शानदार अदायगी हुई तो पूरी दुनिया में इस गीत की लोकप्रियता का पताका लहराने लगा। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। ये गीत फिल्म आवारा की सफलता का एक प्रमुख कारण बना। इस गीत ने देशों की सीमाओं और भाषाओं की बंदिशों की सरहदों को तोड़कर जो वैश्विक लोकप्रियता हासिल की, उसने सही मायने में यह साबित कर दिया कि संगीत की कोई भाषा, कोई सरहद नहीं होती। इस गीत ने दशकों पहले पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था, भारत ही नहीं, ये गीत ग्रीस, तुर्की, पूर्व सोवियत संघ के देशों, रोमानिया, मध्य पूर्व के देशों और चीन में खूब लोकप्रिय है, और आज भी वहां के लोगों को घरों और समारोहों में इस गीत को गाते हुए सुना और देखा जा सकता है। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, लगी संसार लगी मुझसे किसी को प्यार लगी, मुझसे किसी को प्यार लगी। इसमें हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये गीत
उन देशों की स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया, अनुदित कर दिया गया और इस गीत को उन भाषाओं की फिल्मों और धारावाहिकों में भी बड़े ही फख्र के साथ शामिल किया गया है। खासतौर पर रूस के लोगों पर तो इस गीत का जादू आज भी बरकरार है। इस गीत का रिंगटोन आज रूसी युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय है। कहा जाता है कि चीन के चेयरमैन माओ को यह गीत बहुत पसंद था, ये उनका प्रिय गीत था। मई 2013 में बीबीसी के सर्वेक्षण में बॉलीवुड के अब तक के सर्वश्रेष्ठ गीतों में इस गीत को दूसरे नंबर पर रखा गया था। अगर आप तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जाएं तो वहां के म्यूजिक स्टोर्स में आपको आवारा हूं गीत बजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। दरअसल फिल्म आवारा का तुर्की वर्जन इस्तांबुल में 15 फरवरी 1955 को रिलीज हुआ था। पूरी कहानी वही थी जो फिल्म आवारा की थी, केवल पात्रों को तुर्की नाम दे दिए गए थे, जैसे राज को रासी, रीता को सेलमा वगैरह। तुर्की में इस फिल्म को नाम दिया गया था आवारे और आवारा हूं को गाया आवारे हूं कहकर। इस गीत के दुनिया भर में लोकप्रिय होने का क्या कारण है? शैलेंद्र का गीत या शंकर जयकिशन का संगीत अथवा मुकेश जी की आवाज या फिर राज कपूर की अदायगी और बेहतरीन पिक्चराइजेशन? सच कहें तो इन सभी का इस गीत की लोकप्रियता में योगदान है। शैलेंद्र ने जो गीत लिखे उसमें आम लोगों के जीवन के संघर्ष और दर्द की झलक मिलती है। इस गीत में जो अर्थ हैं और जो साहित्य है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसका संगीत कमाल का है और मुकेश की गायकी का तो खैर कोई जवाब ही नहीं। इस गीत की रचना कैसे हुई उसके बारे में चंद बातें बताता चलूं। शैलेंद्र को समाजवादी विचारधारा के होने के कारण पुष्किन भी कहा जाता है। वैसे तो शैलेंद्र ने ढेर सारे बेहतरीन गीतों की रचना की, लेकिन उनको फिल्म आवारा के गीतों से बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। उन्होंने आवारा के लिए 6 गीत लिखे। आवारा हूं गीत राज कपूर का प्रतिनिधित्व करने वाला गीत बन गया और राज कपूर को आवारा नाम दिया जाने लगा। ये गीत कैसे बना? अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन ने अपने उपन्यास कैंसर वार्ड में इस गीत के बनने की कहानी का जिक्र किया है। लीजेंडरी फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस फिल्म की कहानी राज कपूर और शैलेंद्र को सुनाई। उन्होंने इस कहानी के जरिए बताया कि समाज के निचले वर्ग के लोगों को, गरीबों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन गरीबी, मुफलिसी और कठिनाइयों के बावजूद समाज के लिए यही लोग आदर्श भी बनते हैं। ये सुनकर राज कपूर कुछ मजाकिया अंदाज में शैलेंद्र से पूछ बैठे, कुछ समझे कविराज, क्या कहते हैं आप? इस पर शैलेंद्र ने काव्यात्मक अंदाज में जवाब दिया, गर्दिश में था पर आसमान का तारा था आवारा था। शैलेंद्र ने ख्वाजा अहमद अब्बास की पूरी कहानी का मर्म इन्हीं चंद लाइनों में पिरो दिया। राज कपूर ने शैलेंद्र को गले लगा लिया और जब इस गीत पर शंकर जयकिशन का साज सजा और मुकेश की आवाज गूंजी, गर्दिश में हूं पर आसमान का तारा हूं, तब ये गीत संगीत के आकाश का ध्रुव तारा बन गया। सान नगर अनजान डगर का प्यारा हूं। वैसे तो ये गीत दुनिया के कई देशों में विभिन्न भाषाओं में गाया जाता है, लेकिन हम आपको कुछ झलकियां पेश कर रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस गीत ने दुनिया भर के लोगों का दिल किस तरह जीता है और आज भी किस तरह लोगों की जुबान पर है। आवारा हो या गर्दिश में हो आसमान का तारा हो, आवारा हूँ
तो इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट संजय कुमार को अनुमति दें। चलने से पहले एक जानकारी और दे दूं कि हिंदुस्तानी किस्सों और जानकारियों का एक और चैनल है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी, कोई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए